ये बात करेगा। सीरियल पुष्पा में पुष्पा के घर वाले हैं परेशान, क्योंकि पुष्पा की बेटी नाराज है और वो कुछ बोल नहीं रही है। दरअसल घर में चल रहा है फैमिली ड्रामा और तभी राशि के कुछ फ्रेंड्स घर पर आते हैं। फ्रेंड्स बैठे रहते हैं और आपस में बातचीत भी होती है, लेकिन राशि काफी परेशान दिखती है। इस ड्रामे के बीच दीप्ति की नजर जाती है पुष्पा के हाथ पर। दीप्ति कहती है कि आपका हाथ ठीक हो गया, आपको तो चोट लगी थी ना। हाँ, फिर पूरे फैमिली के बीच दिखता है एक इमोशनल मोमेंट, लेकिन राशि उसमें शामिल नहीं होती और तभी सबको डाउट होता है राशि के ऊपर। मौका देखकर राशि के दोस्त कॉलेज की सारी बातें बता देते हैं। और तभी राशि भी बोलना शुरू करती है और बताती है कि कैसे उसे एक कमरे में लॉक कर दिया गया था। और फिर उसके फ्रेंड्स ने उसकी आवाज सुनकर उसे बाहर निकाला। इतना ही नहीं, राशि ये भी बताती है कि वो लड़का एमएलए का है। ये सब सुनकर अश्विन को बहुत गुस्सा आता है और वो उसे मारने की तरफ जाता है। सबूत का वेट करने में और देर हो जाएगी, अब पानी सर से ऊपर जा चुका है। ये तरीका है, अब ये बात करेगा। लेकिन तभी दीप्ति और पुष्पा उसे रोक देते हैं। अरे नहीं, नहीं दीप्ति, हम यहाँ पे उसे सजा देने की सोच रहे हैं और वहाँ वो बापोद्रा प्रांतरा के लिए उस दुष्यंत के बारे में सोच रहा है। वेल, शो में काफी ड्रामा चल रहा है, ऐसे में आने वाले एपिसोड्स में क्या ट्विस्ट दिखेगा इसके लिए आपको करना होगा थोड़ा इंतजार। ये दुनिया एक ही भाषा समझती है, लोहे को लोहे से ही काटना पड़ता है। अश्विन बस, लेकिन ये रास्ता सही नहीं है। किसी को सजा देने के लिए हम कानून अपने हाथ में नहीं ले सकते, वरना उसमें और तुझमें क्या फर्क रह जाएगा। अश्विन बात सही कह रही है, हमारे पास कोई प्रूफ ही नहीं है, ऊपर से वो एमएलए का बेटा है, लेने के देने पड़ जाएंगे। हम कोई रास्ता निकालेंगे, लेकिन गुस्से से बात और बिगड़ जाएगी। प्लीज